नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आग से बिजली की चपेट में आने से 6 लोग झुलसे, दो की हुई मौत। खबर चंदौली के जनपद चंदौली से, जहां आग से बिजली की चपेट में आने से चंदौली जनपद के विभिन्न स्थानों पर कुल 2 महिला सहित 4 अभियुक्त झुलस गए। मामले की जानकारी होने के बाद परिजनों द्वारा सभी आग से बिजली से झुलसे से लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सालय के द्वारा भर्ती कराकर उपचार किया जा रहा है, जबकि 2 लोगों की मौके पर भी ही मौत हो गई है। अवधेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। हम यहाँ ग्राम चंदौली के क्षेत्रीय लेखपाल हैं। अच्छा, घटना कैसे हुआ, कब हुआ? घटना सुबह 8 बजे की है। लगभग बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 4 लोग वहाँ गए हुए थे शौच के लिए। वहाँ मंदिर के पास बैठ के अपना सभी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और 2 लोग घायल हो गए और 2 लोग मौके पर ही। अच्छा, आप लेखपाल हैं? हाँ, तो प्रक्रिया सब चल रही है? हाँ, प्रक्रिया सब चल रही है। 2 लोगों का पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया चल रही है और 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो 2 लोग की हालत कैसी है? 2 लोग सामान्य है। सर, अपना परिचय बताएं। हमारा नाम रामबली यादव जी। घटना के बारे में बताएं सर। घटना के बारे में सब लड़के गए थे वही बाहर मंदिर में गए, बरसात होने लगी तो मंदिर में चले गए। मंदिर के बाद फिर गुलिया गए, उसके बाद आकाशी बिजली गिरी, उसमें 4 घायल हो गए। कब की बात है? 8 बजे की सुबह बात है। अच्छा, सुबह 8 बजे। अगर इसमें सरकारी सुविधा कुछ गरीबों को मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता।